मैं फिर से फर्स्ट रैंक, फिर से टॉपर, क्यों? सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज है मेरी, मैं टॉपर हूँ, मेरा कभी सेकंड रैंक नहीं आएगा, मैं सेकंड रैंक लायक नहीं हूँ। इसलिए जब मैं 60 पे गया, उस सेल्फ इमेज ने मुझे खींच के ऊपर ले आया। ओके, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी सेल्फ इमेज के बारे में। आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, उसने मेरे बारे में अच्छा कहा, मुझे अच्छा लग गया कि यस मैं अच्छा आदमी हूँ। उसने मेरे अफनूसी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं ख़राब आदमी हूँ, तो मुझे ख़राब लगने लगा। तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि जब दूसरे आपको कंट्रोल करने लगते हैं, जब दूसरों के कहने से आपको अच्छा लगने लगे, जब दूसरों के ख़राब कहने से आपको ख़राब लगने लगे, तो मतलब आपके अंदर सेल्फ इमेज नहीं है। आपको दूसरे जो बोलते रहे हैं आप वही बन जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप कौन हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेल्फ इमेज। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट पार्ट देख के आइए, फिर ये सेकंड पार्ट है। तो सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज का मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सिंपल वर्ड्स में। आप जब शीशे में देखते हैं तो आपको कौन दिखाई देता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सेल्फ इमेज है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और सामने वाला आपसे आके कहता है कि यस यार तुम अच्छे इंसान हो, तो आपको पता रहेगा यस मैं अच्छा इंसान हूँ ही। लेकिन अगर सामने वाला आपसे कहता है कि तुम खराब इंसान हो, तो मैं फिर भी अच्छा इंसान हूँ, मेरी पर्सनैलिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं अच्छा इंसान हूँ ये मुझे पता है। सिमिलरली जिसकी सेल्फ इमेज नहीं होती है, सामने वाला आके उससे कहेगा तुम खराब हो, तो वो अपने आप में खराबियाँ निकालने लगता है। सामने वाला आके उससे कहेगा तुम अच्छे हो, तो वो अपने आप में अच्छाइयाँ निकालने लगेगा। एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं, नेगेटिव सेल्फ इमेज वाले। इन लोगों को पहले से पता होता है कि इन लोग कोई काम क्यों नहीं कर सकते, 50 बहाने होते हैं इन लोगों के अंदर, और इन लोगों को पहले से पता होता है इन लोग फेलियर हैं और कोई काम नहीं कर सकते। रिजल्ट भी वही होता है, इन लोग फेलियर ही होते हैं। तो जो सेल्फ इमेज है वो एक तरह से सक्सेस रेगुलेटर होता है आपका, वो आपके सक्सेस का थर्मोस्टैट होता है। अब ये थर्मोस्टैट क्या होता है? थर्मोस्टैट एक टेम्परेचर रेगुलेशन डिवाइस होता है। उसको अगर आपने 30 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया और अगर टेम्परेचर 25 पे आता है, वो हीटर ऑन कर देगा, टेम्परेचर को फिर से 30 पे ले आएगा, और अगर टेम्परेचर 35 पे जाता है तो वो कूलर ऑन कर देगा और टेम्परेचर को फिर से 30 पे ले आएगा। सिमिलरली आपका सेल्फ इमेज आपका सक्सेस रेगुलेटर होता है। अगर आपका सक्सेस लेवल है 70, तो अगर आप कभी 65 पे आते हैं तो वो आपको खींच के 70 पे ले आएगा, और अगर कभी 75 पे जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, आपको लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा काबिल हूँ, वो फिर से खींच के आपको 70 पे ले आएगा, आप ऐसी गलतियाँ करने लगेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ बातें बता दूँ मैं आपको अपने बारे में कि मैं जब तक स्कूल में पढ़ा मैं टॉपर था, मेरा कभी क्लास में सेकंड रैंक नहीं आया और ना ही कभी 90% के नीचे आया। ये रिकॉर्ड है मेरा स्कूल में 14 इयर्स के स्कूलिंग में। अब 11th में क्या हुआ, 11th में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट चेंज हुआ, मुझे एक्चुअली अपना पैशन मिला, अपना ड्रीम मिला कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे स्कूल से मतलब नहीं है। और 12th के है प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैंने अपने आप को बहुत समझाया था, कुलदीप कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा स्कूल में ख़राब मार्क्स आते हैं तो तुमको IIT नहीं करना कि तुमको 75% कंपलसरी है, तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्कूल की डिग्री, स्कूल की मार्कशीट ज़रूरी नहीं रहती। तो तुम जो कैलकुलस पढ़ रहे हो, तुम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तुम जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो सब तुम कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कोई बात नहीं अगर तुम्हारा ख़राब मार्क्स आता है। मैंने सोचा कि मैं स्कूल पे थोड़ा कम फोकस करके एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करूँ। मैंने बहुत सारी किताबें मंगा कर रखी, 20 किताब मेरे रूम में पड़ी हुई हैं, 8-9 ऑडियो बुक्स हैं मेरे पास, 11-12 PDFs हैं। तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है, तुमको स्कूल से मतलब नहीं है, मैंने बहुत समझाया था अपने आप को। लेकिन मेरे दिमाग में सेल्फ इमेज क्या थी, आई एम अ टॉपर। क्यों? क्योंकि मेरा कभी सेकंड रैंक नहीं आया था, मेरा कभी 90% के नीचे नहीं आया था। प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए, मैथमेटिक्स में मेरा आया 60 मार्क्स, और मेरे सेल्फ इमेज को बहुत ठेस पहुंची। सारा लॉजिक रखा का रखा रह गया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे स्कूल से मतलब नहीं है, मेरे सेल्फ इमेज को ठेस पहुंची है। बस अंदर से एक ही आवाज़ आई, कुलदीप ये तुम नहीं हो, तुम्हारा 60% नहीं आएगा कभी, तुम्हारा 60 मार्क्स नहीं आएंगे कभी मैथमेटिक्स में। तो मैंने कहा यार एंटरप्रेन्योरशिप को हटाओ, 3 महीने की और स्कूल है, 3 महीना अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। पढ़ाई की अच्छे से और मेरा फिर से 90% के ऊपर चला गया, 90% के ऊपर मेरे फाइनल वो आए हैं मार्क्स, और मैं फिर से फर्स्ट रैंक, फिर से टॉपर। क्यों? सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज है मेरी, मैं टॉपर हूँ, मेरा कभी सेकंड रैंक नहीं आएगा, मैं सेकंड रैंक लायक नहीं हूँ।
इसलिए जब मैं 60 पे गया, उस सेल्फ इमेज ने मुझे खींच के ऊपर ले आया। कोई बहानेबाजी काम नहीं करती तब, कि गर्मी बहुत पड़ रही है, कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, कि नींद आ रही है, कल पढ़ूंगा, कुछ बहानेबाजी नहीं। वो खींच के आपको वापस ले आएगा। सक्सेस को रेगुलेट करता है आपके, अगर आपकी सेल्फ इमेज बहुत बहुत स्ट्रांग है तो आप कभी नीचे गिर ही नहीं सकते। अगर आप नीचे गिरते भी हैं तो आपके सेल्फ इमेज को इतनी ठेस पहुंचेगी, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे इससे एक्स्ट्रा अच्छा चाहिए, मैं इतने के लायक हूँ, मुझे इतना मिलना चाहिए, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। खींच के मेहनत करेंगे आप, तब वहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करता, कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आराम कर लेना चाहिए, कोई आराम नहीं होगा तब वहाँ पर, तब बस काम 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 होगा, जब तक आप उस लेवल पर फिर से नहीं आ जाते। तो तब ठीक है, आपने मुझसे कहा, ठीक है कुलदीप, अच्छी कहानी सुनाई तुमने, समझ गए सेल्फ इमेज क्या होता है, बनाएं कैसे सेल्फ इमेज। अगर मेरी सेल्फ इमेज कमज़ोर है, अगर मैं अपने आप को अच्छी नज़र से नहीं देखता, अगर मैं अपने आप को फेलियर की नज़र से देखता हूँ, तो कैसे क्रिएट करूँ मैं एक स्ट्रांग सेल्फ इमेज। तो कुछ किताबें हैं, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच और द सीक्रेट। ये किताबें आपको कुछ मेथड बताती हैं, जैसे कि एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि लेट अस सपोज मुझे IPS बनना है, या मुझे कुछ भी बनना है, बैठ के इमेजिन कीजिए मैं IPS बन गया हूँ, मैं बोलेट से मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैं बस इमेजिन करूँ बैठ के, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, मेरे अंडर में 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 1 अरब का रेवेन्यू पार कर चुकी है, मैं बस सोचूँ बैठ के सुबह शाम। इसको बोलते हैं एफर्मेशन विजुअलाइजेशन। वो किताबें ये मेथड बताती हैं, जो कि मुझे प्योर बकवास मेथड्स लगते हैं, प्योर रद्दी मेथड्स लगते हैं सेल्फ इमेज बनाने के। सोचने से थोड़ी होता है यार, मैं बस सोचूंगा और वो हो जाएगा। हालांकि ये मेरी प्रॉब्लम है, और वो किताबें बहुत फेमस हैं, और मैं बहुत फेमस से कहूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो थिंक एंड ग्रो रिच 1930s में लिखी गई थी, 80-90 साल से वो किताब हिट लिस्ट में आज भी चलती है। द सीक्रेट लाखों लोगों ने पढ़ी, लाखों लोगों ने अप्लाई की, और उन लोगों ने कहा कि उसमें जो मेथड्स बताए गए हैं विजुअलाइजेशन एफर्मेशन, वो काम करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए काम करेगा, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। मैं एक्शन मैन हूँ, मुझे एक्शन में यकीन है। मैं मानता हूँ कि काम करने से कुछ होता है, सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, सोचना अच्छा है, प्लान बनाना अच्छा है, लेकिन मैं बस सोचूं बैठ के एंटरप्रेन्योर बन गया, कंपनी टर्नओवर कर ली 1 करोड़, ऐसे नहीं होता यार। तो मैं क्या मेथड यूज़ करता हूँ अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, वो ये, लेट अस सपोज मेरा सक्सेस लेवल है 50 और मुझे पहुँचना है 100 तक, तो मैं सबसे पहले अपने लिए टारगेट सेट करूंगा 55, और मैं कुछ भी करूंगा, रात को कम सोऊंगा, एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, कुछ भी करके अगले महीने तक, अगर मैंने 1 महीने का टारगेट सेट किया है कि मैं 55 पे पहुंच के दिखाऊंगा, तो मैं 1 महीने में 55 पे आ ही जाऊंगा कुछ भी करके। फिर मैं सेट करूंगा अपने लिए 65 का, मुझे 65 पहुंचना है अगले महीने तक, फिर से मैं मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं 65 तक पहुंच के दिखाऊंगा। फिर मैं 70 सेट करूंगा, अगले महीने 70, उसके अगले 85, फिर 90, फिर 95, ऐसे ही करते करते 100। कुल मिला के जब आप वो काम करते हैं जो कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि आपको अब तक लग रहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको अब तक लग रहा था कि मैं इस काम को करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा मेहनत करके उस काम को कर ले जाते हैं, तब आपका सेल्फ इमेज चेंज होता है कि यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो इसके लायक हूँ एक्चुअली, और फिर ये सेल्फ इमेज चेंज होता है, और आप उसका अगला टारगेट लेते हैं 65। तो आपको लगता है मैं अगर 50 से 55 आ सकता हूँ, तो मैं 55 से 65 भी जा सकता हूँ। फिर आप जब कुछ भी मेहनत करके अगले महीने तक 65 तक आ जाते हैं, आपको लगेगा कि मैं 75 तक भी जा सकता हूँ। 75 सेट कीजिए अगले महीने, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़िए। इसको मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, और उसी से आपकी सेल्फ इमेज भी इंप्रूव होगी। जो आपको अब तक लग रहा था कि आप काबिल नहीं हैं, अब लगेगा आप काबिल हैं। मैंने अपने लिए ये बहुत बार यूज़ किया है। मैं अपने लिए टारगेट सेट करता हूँ, गोल्स सेट करता हूँ कि मैं इस समय के अंदर अंदर ये काम करके दिखाऊंगा। लेट अस से मैंने 1 महीने का टारगेट सेट किया, मैं उसको 25 दिन में अचीव कर लेता हूँ, 5 दिन कम समय में मेरी सेल्फ इमेज इंप्रूव की। यस, मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, मैंने 25 दिन में ही करके दिखा दिया। कुछ तो बात है मेरे में, मतलब सेल्फ इमेज इंप्रूव हुई, कुछ तो बात है मेरे में। अब अगले महीने उससे कुछ हाई टारगेट फिर से अचीव कर लिया, कुछ तो बात है मेरे में। ऐसे इंप्रूव होती है सेल्फ इमेज, सोचने से इंप्रूव नहीं होता। हालांकि वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानता एफर्मेशन विजुअलाइजेशन में, मैं नहीं मानता रिलीजन में, मैं नहीं मानता गॉड में, ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, मैं इन सब में नहीं मानता। वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा मोरल सिस्टम है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप भी मानिए, ट्राई करके देख लीजिए, आप काम करता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं मानता। करने से एजुकेशनल कंटेंट को लाइक करने से कुछ होता नहीं है, शेयर करने से होता है, आपके फ्रेंड्स भी सीखेंगे कुछ, उन लोग भी आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, ऐसे कंटेंट आगे पाते रहने के लिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।